हाय दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जिस बारे में बात की हमने डेटा कन्वर्टर्स के पहले एस्पेक्ट के बारे में बात की जो कि था डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एडीसी और डीएसी ये दो पार्ट होते हैं डेटा कन्वर्टर्स के एडीसी क्या करता है पहले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बनाता है जिससे कि डिजिटल सिग्नल की, की प्रोसेसिंग की जा सके लेकिन हमारे जो ज्यादातर रियल लाइफ सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं एनालॉग होते हैं तो ये डिजिटल प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद सिग्नल को वापस एनालॉग बनाना जरूरी है वरना जो यूजर है उसे वो सिग्नल समझ नहीं आ पाएगा इसीलिए बाद में हम क्या लगाते हैं एक डीएसी लगाते हैं वो डीएसी वापस से डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है अब हम लोगों ने सबसे पहले डीएसी से स्टार्ट क्यों किया था मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था कि जब एडीसी हम लोग पढ़ेंगे उसका एक कंपोनेंट ही होता है डीएसी यानी एडीसी बनाने के लिए डीएसी की जरूरत पड़ती है इसीलिए पहले हमने अपनी शुरुआत की थी डीएसी से अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है डेटा कन्वर्टर का दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ठीक है ये वाला टॉपिक देखो थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है न्यूमेरिकल पार्ट इसके अंदर ज्यादा नहीं है अगर अच्छे से समझोगे तो काफी इजी टॉपिक है इसके अंदर कहीं भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे ठीक है बस थोड़ा ध्यान लगा करके सुनना कि कैसे हम लोग इस टॉपिक को डील करने वाले तो अब देखो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आप लोगों से बेसिक्स की बात करूंगा जिस बारे में थोड़ा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हम लोगों ने डिजिटल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन हम लोग क्यों करते हैं मैं पहले भी बता चुका ज्यादातर रियल लाइफ सिग्नल एनालॉग होते हैं लेकिन प्रोसेसिंग डिजिटल में काफी आसान होती है वो क्यों होती है क्योंकि डिजिटल में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जैसे डिवाइसेस हैं जहां की हम सॉफ्टवेयर कोड लिख के प्रोसेसिंग कर सकते हैं अदर uh, अलग से हार्डवेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये सभी डिवाइसेस अवेलेबल होने की वजह से डिजिटल की प्रोसेसिंग काफ़ी इजी है और डिजिटल की प्रोसेसिंग इजी है तो हमें डिजिटल में प्रोसेस करने के लिए पहले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जब एनालॉग से डिजिटल आना है तो जो डिवाइस यूज होगी वो होगी एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था एनालॉग से डिजिटल जाने में दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं स्टेप वन क्या होता है हमारा स्टेप वन होता है सैंपलिंग ठीक है और स्टेप टू होता है हमारा क्वांटाइजेशन ठीक है तो पहले इन दोनों स्टेप्स के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे फिर हम लोग आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं सैंपलिंग के बारे में ठीक है सैंपलिंग देखो वैसे तो आप लोग सिग्नल सिस्टम के अंदर कवर करते ही हो तो यहां बहुत बेसिक तरीके से सैंपलिंग की बात करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस आपका सिग्नल सिस्टम में कवर हो जाता है अब सैंपलिंग का मतलब क्या होता है किसी एक एनालॉग सिग्नल के या कंटिन्यूस सिग्नल के कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करना कैसे देखो जैसे एक कंटिन्यूस सिग्नल है अगर हमारा एक्स ऑफ टी वर्सेस टी मान लो कोई ऐसे एक रैंडमली कंटिन्यूस सिग्नल है अब अगर इस सिग्नल की वैल्यू अलग अलग टाइम पे लें जैसे देखो जीरो पे ले ली फिर एक टी टाइम पे ले ली ये टी टाइम पे ले ली फिर टू टी टाइम पे ले ली फिर थ्री टी टाइम पे ले ली फिर फोर टी टाइम पे ले ली फिर फाइव टी टाइम पे ले लिया सिक्स टी टाइम पे इस तरह से अगर एक सिग्नल के कुछ सैंपल्स को कंसीडर करें तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई इसको बोला जाता है सैंपलिंग तो सैंपलिंग का मतलब क्या हुआ जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं सैंपलिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कलेक्ट इन विच वी कलेक्ट सर्टेन सैंपल्स ऑफ अ सिग्नल इन विच वी कलेक्ट सर्टेन सैंपल्स ऑफ अ सिग्नल एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स नेक्स्ट पॉइंट लिखना इफ द सैंपल्स आर इक्वली स्पेस्ड इन टाइम इफ द सैंपल्स आर इक्वली स्पेस्ड इन टाइम देन इट इज कॉल्ड एज देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सैंपलिंग देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सैंपलिंग ठीक है तो सैंपलिंग करने का मतलब क्या होता है किसी एक सिग्नल के सैंपल्स को कलेक्ट करना अब ये कैसे करते हैं सैंपलिंग इसके लिए हम यूज करते हैं एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट अब देखो इस बारे में अच्छे से समझना ये नई चीज है जो मैंने आपको डिजिटल के शुरुआत में नहीं बताई थी सैंपल एंड होल्ड सर्किट अब सैंपल एंड होल्ड सर्किट में क्या होता है एक स्विच होता है हमारे पास ये स्विच है यह स्विच जो है ना अक्सर मॉसफेट लिया जाता है मॉसफेट एक बहुत फास्ट स्विच का काम करता है तो अक्सर इस स्विच की जगह क्या लगाया जाता है एक मॉसफेट और एक कैपेसिटर लगा होता है अब अक्सर इसके आगे क्या होता है एक ओप लगा देते हैं एम्पलीफायर के तौर पे ठीक है, लेकिन अपना मतलब वहां तक नहीं है अपने को मतलब बस कैपेसिटर तक है फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि एक भी लगता है यह है सी ठीक है अब देखो इसके अंदर क्या होता है ये जो स्विच है इस स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं एट टी इक्वल टू एन टी इसका मतलब क्या है एट टी इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू टी स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू टू टी स्विच इज क्लोज लेकिन ये जो भी स्विच को क्लोज किया जा रहा है यह बस मोमेंटली किया जाता है जिसका मतलब एकदम से क्लोज करके वापिस उसको ओपन कर लेना है ठीक है उसको लगातार क्लोज नहीं रखना है अब देखो इससे होगा क्या जैसे यहीं पे हम लोग आते हैं स्विच को मैंने क्लोज किया स्विच को जैसे ही मैंने क्लोज किया यहां पे मेरा एनालॉग इनपुट है है ठीक है? यहां पे मेरा एनालॉग इनपुट है जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा ये इनपुट किसके एक्रॉस आ जाएगा कैपेसिटर के एक्रॉस और फिर स्विच को जब ओपन कर दोगे तो ये कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा ठीक है ये कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को लूज नहीं करेगा या इसकी वोल्टेज तब तक चेंज नहीं होगी जब तक अगली बार स्विच क्लोज ना किया जाए ऐसा सोचो अगर स्विच को ओपन कर दोगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो करंट की वैल्यू अगर कैपेसिटर में जीरो कर दी जाए थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी स्टेटमेंट को मैं लिख नहीं रहा हूं ये बात अगर करंट एक कैपेसिटर में जीरो कर दिया जाए तो ये कह सकते हो सी डीवी बाई डी टी जीरो अगर जीरो है तो डीवी बाई डी टी जीरो है? अगर किसी का भी डेरिवेटिव जीरो हो तो वो फंक्शन क्या होगा वो फंक्शन होगा कॉन्स्टेंट तो मैं क्या कह सकता हूं अगर स्विच ओपन करने से करंट जीरो हो रहा है तो कैपेसिटर की वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे वेन स्विच इज ओपन करेंट इज जीरो डीवीसी बाई डी टी इज जीरो सो कैपैसिटर वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट तो ये जब स्विच को क्लोज करते हो तो इसको बोला जाता है सैंपल और जब कैपेसिटर एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है तो उसे बोलते हैं होल्ड इसीलिए इस सर्किट को नाम क्या दिया गया सैंपल एंड होल्ड सर्किट ठीक है तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करेगा जब जब स्विच क्लोज होगा तो जो भी एनालॉग इनपुट है वो किस पे आ जाएगा कैपेसिटर पे और जब स्विच को ओपन कर दोगे तो कैपेसिटर की वोल्टेज रह जाएगी कांस्टेंट। अब आगे की बात करते हैं मान लो मुझे ऐसे सैंपल्स कलेक्ट करने हैं तो सैंपल एंड होल्ड में क्या होगा यहां पे सैंपल कलेक्ट हुआ ये कॉन्स्टेंट हो गया फिर अगला सैंपल आया फिर ये कॉन्स्टेंट हो गया अगला सैंपल ये कॉन्स्टेंट फिर अगला सैंपल ये कॉन्स्टेंट अगला सैंपल ये कांस्टेंट अगला सैंपल ये कॉन्स्टेंट फिर ऐसे कॉन्स्टेंट इस तरह का ग्राफ चलेगा ठीक है तो जो भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं वो अगला सैंपल आने तक कॉन्स्टेंट रहेगा ये काम होता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट का इस तरह से ये किसको कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग से डिजिटल लेकिन देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कभी भी स्विच इंस्टेंटेनियसली क्लोज और ओपन तो नहीं हो सकता यानी प्रैक्टिकली ये शो कर देना कि किसी एक इंस्टेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई है वो चीज गलत है ठीक है तो हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि एक इंस्टेंट का सैंपल कैप्चर होगा देखो क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में सैंपल होल्ड सर्किट कैसे काम करता है ये चीज समझो देखो मैं एक एनालॉग सिग्नल ले लेता हूं ये मेरा एक एनालॉग सिग्नल है मैं इसको यहां भी ड्रॉ कर लेता हूं लेकिन डॉटेड में ठीक है अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं स्विच ऑन होगा तो सैंपल करेगा स्विच ऑफ होगा एस का मतलब सैंपल स्विच ऑफ होगा तो ये होल्ड करेगा फिर स्विच ऑन होगा तो सैंपल करेगा फिर स्विच ऑफ होगा तो ये होल्ड करेगा फिर स्विच ऑन फिर से सैंपल, फिर स्विच ऑफ फिर से होल्ड तो स्विच को इस तरह से ट्रिगर किया जा रहा है ठीक है ट्रिगर करने का मतलब है स्विच को इस तरह से ऑन ऑफ ऑन ऑफ किया जा रहा है लेकिन कोई भी स्विच इंस्टेंटेनियसली ऑन या ऑफ नहीं हो सकता तो ऑन और ऑफ की कुछ ना कुछ ड्यूरेशन होती है ठीक है तो जैसे कि स्विच ऑन रहेगा सपोज टी एस ड्यूरेशन के लिए और ऑफ रहेगा या होल्ड पे रहेगा टी एच ड्यूरेशन के लिए तो हमारे पास दो ड्यूरेशन आ गई एक जिसमें कि स्विच ऑन है जिसमें हम सैम्पलिंग कर रहे हैं और एक जिसमें स्विच ऑफ है जिसमें कि हम होल्ड कर रहे हैं अब देखो एक्चुअल वेवफॉर्म कैसी बनती है इन इंटरवल्स को मैं नीचे ले आता हूं कि जब स्विच ऑन होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज ट्रैक करेगा एनालॉग को जैसे यहां ऑन है तो यहां इसके बराबर रहेगा फिर कांस्टेंट रहेगा फिर एनालॉग सिग्नल को ट्रैक करेगा फिर कांस्टेंट रहेगा फिर एनालॉग को ट्रैक करेगा फिर कांस्टेंट रहेगा फिर एनालॉग को ट्रैक करेगा फिर कांस्टेंट रहेगा इस टाइप से वेवफॉर्म फॉर्म बनेगी ठीक है कि ये कांस्टेंट्स जो हम पहले दिखा रहे थे कि फ्लैट वेब फॉर्म आ रही थी वो किस बेसिस पे थी कि एक इंस्टेंट के सैंपल को कैप्चर किया जाता है लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ये जो सैंपलिंग टाइम है जीरो नहीं होता यानी सिग्नल का कोई इंस्टेंट कभी कैप्चर नहीं करते सिग्नल का एक स्मॉल ड्यूरेशन कैप्चर किया जाता है और जहां वो ड्यूरेशन खत्म होगा उस ड्यूरेशन वाली जो या उसके एंड वाली जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर के अक्रॉस मेंटेन रहेगी तो एक्चुअल में सैंपल एंड होल्ड सर्किट कुछ इस टाइप से काम करता है ठीक है जितना छोटा रखोगे टीएस उतना बेहतर है बट एक्चुअल में कभी भी ये इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता इसीलिए वो हमेशा क्या करता है एक स्मॉल ड्यूरेशन को कैप्चर करता है और कैपेसिटर कौन सी वैल्यू को होल्ड करेगा उस इंटरवल के एंड पॉइंट पे जो भी वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू को कैपेसिटर होल्ड कर लेता है अब आगे की बात करते हैं देखो एक एडीसी के अंदर या सैंपल एंड होल्ड सर्किट के अंदर कुछ टर्म्स हमारी डिफाइन की जाती हैं जैसे कि पहली टर्म होती है एक्विजिशन टाइम ठीक है ये एक्विजिशन टाइम एक्चुअल में है टीएस एक्विजिशन टाइम टीएस का मतलब क्या है सैंपलिंग टाइम इसका मतलब वो टाइम जिसमें कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज को एक्वायर करता है उसे बोलते हैं एक्विजिशन टाइम देखो कैपेसिटर की वोल्टेज सप्लाई को फॉलो कब कर रही है या supply voltage capacitor के के कब मिल रही है? ये TS के दौरान तो इस TS को क्या बोल दिया मैंने? टाइम ड्यूरिंग विच कैपेसिटर द चार्ज सप्लाइड द सोर्स इसको एज अ डेफिनेशन भी लिख सकते हो इसीलिए रिपीट कर रहा हूं एक्विजिशन टाइम ज द टाइम इन विच कैपेसिटर एक्वायर्स द चार्ज सप्लाइड बाय द सोर्स तो वो होता है एक्विजिशन टाइम दूसरा टाइम कहलाता है अपर्चर टाइम टी एपी अब देखो क्या होता है जैसा मैंने बताया स्विच एक मोसफेट है मॉस्फेट अचानक से क्लोज तो या ओपन तो नहीं हो सकता कुछ ना कुछ टाइम लगेगा तो जो इसकी स्टेट चेंज होने में टाइम लगता है जैसे मान लो मॉस्फेट को ऑन रखा था अब मैंने मॉस्फेट को ऑफ कर रहा हूं अगर मैं मॉस्फेट को ऑफ कर रहा हूं वो एकदम से ऑफ तो नहीं होगा सपोज ये ऑफ होने में दो नैनो सेकेंड लेता है बट उस दो नैनो सेकेंड में करेंट तो फ्लो कर रहा है ना ये ऑफ नहीं हुआ देखो ऑफ होगा दो नैनो सेकेंड के बाद तो उस दो नैनो सेकेंड में क्या हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं उस दो नैनो सेकेंड में क्या होगा कि करंट तो फ्लो करेगा तो कैपेसिटर भी चार्ज होगा तो हमेशा ऑन ऑफ करने में कुछ ना कुछ डीले आता है इसी वजह से उस डीले को हम बोलते हैं अपर्चर टाइम तो ये वाला डेफिनेशन लिखो वेन वेन द स्विच इज टर्न ऑफ वेन द स्विच इज टर्न ऑफ the current flow the current flow does not stop instantly the current flow does not stop instantly and during this interval during this interval capacitor acquires a charge during this interval capacitor acquires a charge from the source फ्रॉम द सोर्स एंड दिस टाइम इज कॉल्ड एज ए परिस टाइम इज कॉल्ड एज ए पर बात समझ आई कि जैसे ही मॉसफेट को ऑफ करने की कोशिश करोगे और जब मॉसफेट ऑफ होगा इन दोनों के बीच में जो डिले है उसे बोला जाएगा ए परचर टाइम और इस दौरान कैपेसिटर सप्लाई से चार्ज लेकर के सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करने की कोशिश करता है ठीक है यह अपर्चर टाइम क्लियर हुआ क्या होता है काइंड kind ऑफ of ऐसा कह सकते हो एक डिले है सिग्नल या मॉस्फेट को ऑफ करने के लिए सिग्नल अप्लाई करने में और मॉस्फेट के एक्चुअल में ऑफ होने में जो डिले है उसे हम बोल रहे हैं अपर्चर टाइम तीसरा हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रुप अब वोल्टेज ड्रूप क्या होता है देखो एक्चुअल में जब तुमने स्विच को ओपन कर दिया तो हम क्या बोल रहे हैं कि कैपेसिटर पे जो भी वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगी या कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को होल्ड करेगा ऐसा हम बोल रहे हैं कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को होल्ड करता है बट प्रैक्टिकली लीकेज के कारण कैपेसिटर की कुछ ना कुछ वोल्टेज डिक्रीज होती है या कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होने की वजह से ये जो होल्ड टाइम में मैंने कांस्टेंट वोल्टेज दिखाई है ये कांस्टेंट नहीं आती ये स्लोली डिक्रीजिंग आती है तो ये वाला भी लिख लो वोल्टेज ड्रॉप का ड्यू टू लीकेज इन कैपेसिटर, ड्यू टू लीकेज इन द कैपेसिटर द वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर, ड्यू टू लीकेज इन द कैपेसिटर द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर During hold time, during hold time does not remain constant, during hold time does not remain constant but decreases gradually, does not remain constant but decreases gradually, which is called as voltage droop, which is called as voltage droop. ठीक है ये क्लियर हुआ वोल्टेज रूप का फंडा तो प्रैक्टिकली खुद भी सोच के देखो कैपेसिटर की वोल्टेज परफेक्टली कांस्टेंट कैसे हो सकती है जब इसके आगे रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो डिस्चार्जिंग आएगी ना कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर की वोल्टेज धीरे धीरे कम होने लगेगी और धीरे धीरे जब वोल्टेज कम होगी तो बस हम ये चाहते हैं कि वोल्टेज में जो रिडक्शन है वो बहुत कम रहे क्योंकि आइडियली तो वोल्टेज देखो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए लेकिन कॉन्स्टेंट नहीं रह पा रही है डिक्रीमेंट आ रहा है रिडक्शन आ रहा है तो हम ये चाहेंगे रिडक्शन शुड बी एज लो एज पॉसिबल ठीक है ये वाला भी पॉइंट लिख सकते हो द लीकेज इन द कैपेसिटर द लीकेज इन कैपेसिटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल शुड बी एज लो एज पॉसिबल ठीक है तो जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की बात करते हैं तो ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट हमारे लिए काफी रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है अब ये बात समझ आई कि सैंपलिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं सैंपलिंग में हमने किया क्या है बेसिकली सिग्नल के या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के कुछ सैंपल्स को हमने कलेक्ट कर लिया है ठीक है सैंपलिंग में इतना ही तो हुआ है अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है क्वांटाइजेशन अब देखो क्वांटाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों से फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि क्वांटाइजेशन क्या होता है कि जब हम सिग्नल के जो सैंपल्स हैं उनकी वैल्यूज को राउंड ऑफ कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन अब देखो क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले आया एक एनालॉग सिग्नल ठीक है इस पे हमने सबसे पहले क्या लगाया एक सैंपलर एक सैंपलर हमने प्लेस किया अब यहां हमें क्या मिला एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल गया फिर हमने इस पे क्या प्लेस किया एक इस पे हमने प्लेस किया है क्वांटाइजर यह हमें क्या दे देगा एक डिजिटल सिग्नल अब देखो डिजिटल सिग्नल अगर बाइनरी फॉर्म में होता है तो मैं कहता हूं कि सपोज इसके पास बिट्स है बिट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन भाई यहां जो पॉसिबल है वो है टू की पावर एन इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं नंबर ऑफ लेवल्स कितने लेवल्स आ सकते हैं सिग्नल में टू टू पावर एन इतने लेवल्स आ सकते हैं ठीक है अब इसीलिए क्या होता है देखो अगर कोई सिग्नल नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में लाई करता है जैसे सपोज एक ऐसा कोई सिग्नल ले लेते हैं सपोज ये एक सिग्नल है तो ये वाली जो वोल्टेज है ये मैक्सिमम वोल्टेज है इसकी और ये वोल्टेज है मिनिमम वोल्टेज इसके बीच में हमें कितने लेवल्स डालने हैं इसके बीच में हमें लेवल्स डालने हैं टू टू दावर एन तो लेवल्स कितने कितने गैप पे डालोगे देखो एक लेवल दो लेवल तीन लेवल चार लेवल पांच छ सात इस तरह से आ गए तो कितने लेवल्स आएंगे जैसे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ आ रहे नौ आ रहे हैं चलो ठीक है जो भी लेवल्स है रैंडमली मैंने ड्रॉ किया है अब इसमें कितना गैप होगा दो लेवल्स के बीच उसे मैं बोलता हूं डेल्टा डेल्टा होता है स्टेप साइज जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन भी ठीक है तो जब एडीसी की बात करते हैं तो रेजोल्यूशन कौन से स्टेप में डिफाइन होता है क्वांटाइजेशन में तो ये डेल्टा कितना होता है हमारे पास वोल्टेज का टोटल रेंज कितना है मैक्स माइनस वी एन और हमारे पास लेवल्स कितने हैं एल एल एक्चुअल में कितना है टू टू पावर एन तो ये हो जाता है रेजोल्यूशन अब देखो हमने मान लो सैंपल्स ले रखे हैं सिग्नल के ये एक सैंपल है सपोज ये दूसरा सैंपल है ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये छठा सातवा आठवां नौवा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह इस तरह से मैंने सैंपल्स डिफाइन कर रखे हैं भाई सैंपल्स ले लिए अब हमें क्या करना होता है ये जो सैंपल है इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट वैल्यू पे नियरेस्ट वैल्यू देखो इस वाले सैंपल के लिए ये लेवल हो गया इसके लिए नियरेस्ट हो गया ऊपर वाला इसके लिए नियरेस्ट हो गया ऊपर वाला।, वाला इसके लिए भी नियरेस्ट हो गया ऊपर वाला इसके लिए भी ऊपर वाला इसके लिए तो यहीं पे है यहीं पे है इसके लिए ये वाला लेवल इसके लिए तो यही रहेगा इसके लिए ये वाला लेवल इसके लिए ये वाला ये लेवल इसके लिए ये वाला करीब है ये करीब है ये करीब है यहाँ पे ये करीब है यहाँ पे भी यही करीब है यहाँ पे, पे ये करीब है इस तरह से जिस भी लेवल को क्लोज पाया जाएगा सैंपल के देखो मेरे पास लेवल्स बने हुए ना ये लेवल्स वोल्टेज के टर्म्स में पॉइंट फाइव वोल्ट पॉइंट सिक्स वोल्ट इस तरह से अब जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं मान लो मैंने लेवल्स ऐसे बनाए हैं सपोज लेवल्स मेरे ऐसे टू वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.0 वोल्ट 0.5, ठीक है 0, माइनस पॉइंट फाइव माइनस वन और माइनस वन पॉइंट फाइव सपोज ऐसे कितने लेवल हो गए आठ लेवल हो गए इसका मतलब मैं तीन बिट की बात कर रहा हूं ठीक है अब मान लो मेरे पास एक वैल्यू आती है इसको किस पे राउंड ऑफ करोगे भाई क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है वन पॉइंट फाइव ठीक है ऐसी आती है वन पॉइंट नाइन सेवन सिक्स किस पे राउंड ऑफ होगी ये टू पे बात समझ आ रही है तो जो भी लेवल करीब पड़ेगा किसी वैल्यू के उसी वैल लेवल पे उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा इस प्रोसेस को बोला जाता है क्वांटाइजेशन तो क्वांटाइजेशन से मैंने क्या किया कि सैंपलिंग के बाद जो रैंडम वैल्यूज आ रही थी उन्हें एक फिक्स नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी दे दी अब यहां कितनी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है भाई टोटल आठ वैल्यूज पॉसिबल हैं हर वैल्यू को में से किसी वैल्यू पे राउंड ऑफ किया जाएगा बात क्लियर है वरना क्या होता कि सैंपल्स तो मेरे पास फाइनाइट है जैसे यहां पे मेरे पास सैंपल्स कितने हैं फाइनाइट है बट उसकी वैल्यू कुछ भी रैंडम हो सकती है मुझे नहीं पता क्या वैल्यू होगी कुछ भी रैंडम वैल्यू आ सकती है उस रैंडम वैल्यू को जब राउंड ऑफ कर दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है क्वांटाइजेशन ठीक है तो इसमें लिखना क्वांटाइजेशन इज अ प्रोसेस क्वांटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ क्वांटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ द सैंपल्ड वैल्यूज राउंडिंग ऑफ द सैंपल्ड वैल्यूज टू द नियरेस्ट लेवल टू द नियरेस्ट लेवल अब लेकिन देखो राउंडिंग ऑफ की वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर ठीक है अब मैं थोड़ी सी बात क्वांटाइजेशन एरर के बारे में आप लोगों से करता हूं ये क्वांटाइजेशन एरर क्या चीज है देखो जैसे 1.642 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 1.5 पे तो यहां एरर कितना बना ट्रू वैल्यू माइनस राउंड वैल्यू पॉइंट वन फोर टू ठीक है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसी वन पॉइंट नाइन एट सेवन या नाइन एट सॉरी नाइन सेवन सिक्स इसे हमने किस पे राउंड ऑफ कर दिया था टू पे तो एरर कितना हुआ माइनस पॉइंट जीरो टू फोर अब इसी हिसाब से अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है जैसे देखो पॉइंट सेवन फाइव अब ये दो लेवल्स के बीचों बीच है इसमें दो पॉसिबिलिटी है ये वन पे भी जा सकती है तो एरर कितना हुआ माइनस पॉइंट टू फाइव और ये पॉइंट फाइव पे भी जा सकती है तब एरर कितना हुआ पॉइंट टू फाइव ठीक है और यहां दो लेवल्स के बीच में कितना गैप है पॉइंट फाइव का गैप है ना तो यहां डेल्टा या स्टेप साइज कितना है पॉइंट फाइव तो मैं ये कह देता हूं कि मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर देखो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर डेल्टा के टर्म्स में कैसे लिखोगे मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा बाय टू ठीक है डेल्टा बाय टू वैल्यू के बराबर आ सकता है मैक्सिमम एरर अब मैं कैसे कह रहा हूं मैक्सिमम है क्योंकि मैक्सिमम एरर तब ही आएगा जब कोई वैल्यू दो लेवल्स के बीचों बीच लाई करे थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हुई वो वैल्यू तो एरर घट जाएगा एक एग्जाम्पल से समझो मान लो ये पॉइंट सेवन सेवन होती तो ये पॉइंट फाइव के करीब है या वन के ये वन के करीब है कितना एरर आता पॉइंट टू थ्री ठीक है माइनस पॉइंट टू थ्री एरर छोटा हो गया ना ठीक है तो मैक्सिमम लिमिट जो हो सकती है एरर की वो माइनस से प्लस डेल्टा बाय टू तक जा सकती है माइनस डेल्टा बाय टू से प्लस डेल्टा बाई टू ऐसी दूसरा एग्जांपल ले लो मान लो पॉइंट सेवन थ्री ले लिया पॉइंट सेवन थ्री ज्यादा करीब किसके पॉइंट फाइव के तब एरर कितना आएगा पॉइंट टू थ्री यानी पॉइंट टू फाइव से ज्यादा कभी नहीं आ सकता और माइनस पॉइंट टू फाइव से नीचे कभी नहीं आ सकता एरर हमेशा इन दोनों लिमिट्स के बीच में ही लाई करेगा जब मैं ये बात जान गया हूं कि एरर इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा अब मैं क्या कह सकता हूं ये बात को समझना मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी एरर इन दोनों के बीच में लाई करे वो कितनी है वन क्योंकि एरर तो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जब एरर का पीडीएफ बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो हम ये कहते हैं जो एरर है ये कहां से कहां तक लाई कर सकता है माइनस डेल्टा बाय टू से प्लस डेल्टा बाय टू लेकिन ये क्या है पीडीएफ है अब देखो थोड़ा भी अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़े हो तो प्रोबेबिलिटी टोटल इज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स मान लो ये एक्स है तो इसका लेवल मान लो ये ए है तो ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है माइनस डेल्टा बाय टू से प्लस डेल्टा बाय टू ए डी एक्स ये इंटीग्रेशन आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है वन तो ए यहां से आ जाएगा वन बाय डेल्टा ठीक है तो मैंने ये बोला कि जो क्वांटाइजेशन एरर है वो हमेशा दो लिमिट्स के बीच में लाई कर सकता है माइनस डेल्टा बाई टू से प्लस डेल्टा बाई टू तो चांसेस कि एरर माइनस डेल्टा बाई टू से प्लस डेल्टा बाई टू में लाई कर रहा है क्या चांस है वन तो इसीलिए टोटल इंटीग्रेशन पी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कितना आना चाहिए वन वहां से मुझे इसकी हाइट मिल गई वन बाय डेल्टा ये मिल गई अब एरर को हम लोग यहां पे नॉइज भी कह देते हैं तो अगर मैं कहूं मुझे आरएमएस वैल्यू ऑफ नॉइज चाहिए तो जब आप प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल पढ़ोगे तो आप यह देखोगे आरएमएस वैल्यू पीडीएफ से कैसे निकालते हैं यह चीज समझना वन बाय इंटरवल ठीक है या ऐसे रखो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स अब देखो ये इंटरवल कहां तक ये नॉन जीरो है सिग्नल माइनस डेल्टा बाय टू से प्लस डेल्टा बाय टू तक है ठीक है और फंक्शन की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने वन बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा भाई एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस डेल्टा बाय टू से डेल्टा बाय टू इंटू वन बाय डेल्टा अब अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे देखो तो वन बाय थ्री डेल्टा एक्स क्यूब में डेल्टा बाय टू रखा दो डेल्टा क्यूब बाय एट माइनस डेल्टा बाय टू रखा तो माइनस डेल्टा क्यूब बाय एट डेल्टा क्यूब बाय फोर हो गया ना तो ये हो गया अंडर रूट डेल्टा स्क्वायर बाय ट्वेल्व या डेल्टा बाय रूट ट्वेल्व अब डेल्टा का जनरल फॉर्मूला क्या था वी मैक्स माइनस वी मिन बाय एल ठीक है नंबर ऑफ लेवल्स कितने थे वी मैक्स माइनस वीम इसको लिख दो रूट ट्वेल्व इन टू टू दावर एन ये हो गई नॉइज की आर एम एस वैल्यू अब देखो एडीसी के अंदर अगला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं वो होता है सिग्नल टू नॉइज रेशो ठीक है अब हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं एस एन आर जो कि पहले भी सुना होगा कॉम्युनिकेशन वाले लोगों ने हम इसे बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो एस एन आर ये जो एस एन आर होता है ये कितना होता है ट्वेंटी लॉग ऑन अ बेस ऑफ टेन आर एम एस वैल्यू ऑफ सिग्नल अपॉन आर एम एस वैल्यू ऑफ नॉइस अब सिग्नल की आर एम एस वैल्यू कैसे निकलती है देखो एक साइनोसोइडल सिग्नल का आर एम एस कैसे आता है एम्पलीट्यूड बाय रूट टू और एम्पलीट्यूड को कैसे लिखते हैं देखो मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी पीक टू पीक वैल्यू हो गई ना बाय टू ये हुआ एम्पलीट्यूड देखो जैसे एक साइन sign सिग्नल है मान लो फाइव साइन ओमेगा है ओमेगा का एम्पलीट्यूड कितना है फाइव उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फाइव और मिनिमम कितनी है माइनस फाइव तो ऐसे लिख सकते हो फाइव माइनस माइनस फाइव यानी टेन और एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए फाइव तो टेन बाई टू मैं एक तरह से दोबारे सोचो जब फाइव साइन ओमेगा टी लोगे तो मैक्सिमम आएगा फाइव मिनिमम माइनस फाइव तो डिफरेंस हुआ टेन टेन बाय टू कितना हो गया फाइव तो एम्पलीट्यूड हो गया एम्पलीट्यूड बाय रूट टू क्या हो जाएगा ये आर एम एस डिवाइडेड बाय नॉइस की आर एम एस कितनी है मैक्स माइनस वीमेन अपॉन रूट ट्वेल्व इंटू टू टू पावर एन तो वी मैक्स माइनस वीमेन तो देखो कट गया अब ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा रूट सिक्स बाय सॉरी रूट सिक्स इन टू 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 दी पावर एन माइनस वन अब लॉग ऑफ ए बी को कैसे ओपन कर सकते हो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी दोनों लॉग एडिशन में आ जाएंगे तो एस एन आर कितना हो जाएगा ट्वेंटी लॉग रूट सिक्स इन टू ट्वेंटी लॉग टू टू दी पावर एन माइनस वन ट्वेंटी इन पॉइंट सेवन सेवन एट सॉरी प्लस होगा प्लस ट्वेंटी एन माइनस वन लॉग टू ठीक है तो ये कितना हो जाएगा सेवनटीन पॉइंट सेवन सिक्स

प्लस सिक्स पॉइंट जीरो टू एन इतना आ गया डीबी के अंदर तो देखो कई बार एस एन आर पे क्वेश्चन आ जाता है तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए एक एडीसी का एस एन आर कितना आता है दैट इज वन पॉइंट सेवन सिक्स प्लस सिक्स पॉइंट जीरो टू एन डी बी यहां पर एन क्या है भाई जल्दी बताओ एन इज द नंबर ऑफ बेट्स तो इस फॉर्मूले के आगे लिख भी लेना एन इज द नंबर ऑफ बेट्स ऑफ डिजिटल आउटपुट आउटपुट तो डिजिटल है ना इस कन्वर्टर का तो उसमें जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं, वो कितनी है तो फॉर्मूला याद रखना इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है तो ये क्लियर हुआ एडीसी का जो बेसिक है हमारा बेसिक में मैंने क्या क्या बताया सैंपलिंग बताया सैंपलिंग के अंदर मैंने आप लोगों को सैंपल एंड होल्ड सर्किट एक्सप्लेन किया फिर मैंने बताया क्वांटाइजेशन उसके अंदर मैंने क्वांटाइजेशन एरर की वैल्यू बताई और बताया सिग्नल टू नॉइज रेशियो ठीक है ये बात समझ आ गई ना कि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है स्टेप साइज बाय टू और स्टेप साइज को क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे कितनी तरह के एडीसी होते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है ठीक है तो कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे सबसे पहला लिख लो काउंटर टाइप एडीसी काउंटर टाइप एडीसी अब देखो एडीसी की कंस्ट्रक्शन समझना इसकी बस वर्किंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनता है अब देखो एडीसी में हम लोग क्या करते हैं कि ओपैम्प को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं ठीक है जैसे डीएसी में क्लोज लूप यूज किया था यहां यूज करेंगे ओपन लूप अभी इसका सिग्निफिकेंस भी हम लोग समझते हैं जिन लोगों ने एनालॉग कवर नहीं किया है ये आ गया क्लॉक सिग्नल ये क्लॉक हमने भेज दी है काउंटर के अंदर ठीक है ये मान लो एक एट बेट अप काउंटर है ठीक है एट बिट अप काउंटर में भेज दिए मैंने क्लॉक तो इससे आठ बिट्स आएंगी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ये आठ बिट आ गई अब ये आठों बिट एक डीएसी में भेजी जाती है ये है एट बेट डी अब डीएसी क्या देगा एक एनालॉग सिग्नल देगा वो इसके नेगेटिव टर्मिनल में इनपुट कराया जाता है ठीक है अब यहां पे हम लोग एक कंट्रोल सर्किट रखते हैं ठीक है इस कंट्रोल सर्किट में जो इनपुट आता है कंट्रोल सर्किट का जो इनपुट आता है वो एक कंपैरेटर से आता है ये इनपुट गया। अब ये काउंटर को एक क्लियर सिग्नल देता है क्लियर मैंने बताया था और यहां पे एक एट बिट लैच लगाते हैं यह लैच को एक एनेबल सिग्नल देता है लैच को एनेबल कर देगा तो लैच अपना डेटा स्टोर कर लेगा और लैच में वायर्स यहीं से जाती हैं देखो ये एक वायर गई ये दूसरी ये तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं और ये आठवीं तो देखो मैंने क्या किया है जो एट बिट का मेरे पास आउटपुट आया है उसको मैंने सीधा किसमें पास करा दिया एक लैच के अंदर तो क्या होगा जब कभी ये कंट्रोल सर्किट एनेबल करेगा लैच को तो जो भी काउंटर का आउटपुट है वो स्टोर हो जाएगा ठीक है अब सबसे पहले मुझे बात करनी है ओपैम्प के कॉन्फिग्रेशन की ये चीज समझना यहां हम लोग ओपैम्प को यूज करते हैं एज अ कंपेरिटर ठीक है अब कंपेरिटर में क्या होता है दो इनपुट्स लगाए जाते हैं ओपैम्प ओपन लूप में रहता है ये वोल्टेज वी वन और नेगेटिव टर्मिनल में V2 और ये वोल्टेज V आउट ठीक है तो अब इसमें क्या होता है इफ V1 वन इज ग्रेटर देन वी तो हम बोलते हैं कि आउटपुट वोल्टेज यानी पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज अगर बड़ी हुई तो V सेट आएगी और अगर नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज पॉजिटिव से बड़ी है तो आउटपुट आता है माइनस वी सेट इसको हम बोलते हैं प्लस वी सेट को लॉजिक वन और माइनस वी सेट को लॉजिक जीरो ठीक है तो इसका मतलब है में अगर पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज ज्यादा हुई तो आउटपुट आता है वन और नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज ज्यादा हुई तो आउटपुट आता है जीरो ओपैम्प में अगर ओपन लूप रखा जाता है तो ओपैम्प छोटे से डिफरेंस से भी क्या हो जाता है सेचुरेट यह चीज मैंने बताई थी ना कि ओपैम्प का बिहेवियर नॉन लीनियर होता है उसमें अगर छोटा सा भी डिफरेंस रह गया वोल्टेजेस के बीच तो तुरंत सेचुरेट कर जाएगा इसीलिए यहां मैंने लिखा अगर पॉजिटिव वाली ज्यादा हुई तो प्लस वी सेट नेगेटिव वाली ज्यादा हुई तो माइनस वी सेट अब यहां वर्किंग की बात करते हैं देखो यह सर्किट काम कैसे करेगा ठीक है इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है कि सर्किट की वर्किंग कैसे होती है बस वर्किंग को समझना सेपचुअली एक बार समझ लोगे तो बहुत ईजी रहेगा अब देखो शुरू में क्या होगा इनिशियली इनिशियली काउंटर का आउटपुट रहेगा जीरो काउंटर का आउटपुट क्या है जीरो अब काउंटर का आउटपुट डीएसी के लिए तो इनपुट है ना तो डीएसी आउटपुट क्या हो जाएगा इस वोल्टेज को भी मैं नाम दे देता हूं ये है वी ए और इसको मैंने बोल दिया सपोज वी रेफरेंस डीएसी आउटपुट यानी वी रेफरेंस भी क्या रहेगा जीरो अब जब ये एनालॉग इनपुट वी रेफरेंस से बड़ा होगा तो ये वाला जो वोल्टेज है सपोज मैं इसको वी वन बोल रहा हूं वी वन कितना आएगा वी सेट सही बात है पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज अब नेगेटिव से ज्यादा तो आउटपुट आया वी सेट या इसको क्या कह सकते हो वन अगर ये वन आया तो मुझे बताओ एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा जैसे इस सिग्नल को मैंने एक्स बोला ये एक्स क्या आएगा एक्स इक्वल टू वन डॉट क्लॉक तो ये क्या आ जाएगा क्लॉक सिग्नल इसका देखो मतलब क्या हुआ बेसिक अगर सोचो कि जब जब एनालॉग इनपुट रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है तो कंपैरेटर आउटपुट में वन देता है और कंपैरेटर अगर आउटपुट में वन दे रहा है तो एंड गेट के आउटपुट में क्या चली जाएगी क्लॉक ठीक है एंड गेट के आउटपुट में क्लॉक चली गई तो क्लॉक एंटर्स द काउंटर और क्लॉक अगर काउंटर में पहुंच गई तो काउंटर काउंट count करना शुरू कर देगा इतनी बात समझ आई काउंटर अपना काउंट शुरू कर देगा अगर उसके अंदर क्या पहुंच गई है क्लॉक अब आगे समझते हैं अब काउंटर अपना काउंट बढ़ाना शुरू करता है काउंटर का काउंट मान लो आठो जीरो से पहुंचा सात जीरो और एक वन पे यानी जीरो 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 और ट्रिपल जीरो वन तो काउंटर का काउंट बढ़ते ही डीएसी का इनपुट भी तो बढ़ गया काउंटर का काउंट डीएसी के लिए क्या है वो डीएसी के लिए इनपुट का काम कर रहा है अगर डीएसी का इनपुट बढ़ गया डीएसी का आउटपुट बढ़ जाएगा ठीक है क्योंकि आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट डीएसी का आउटपुट क्या होता है रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल वैल्यू ऑफ इनपुट तो अगर डीएसी का इनपुट बढ़ा दिया तो इसका आउटपुट बढ़ेगा अब ये कंपैरेटर फिर से कंपेयर करेगा एनालॉग इनपुट को डीएसी के आउटपुट से VA को कंपेयर करेगा V रेफरेंस से अगर वी ए अभी भी ज्यादा निकला तो वी वन कितना आएगा वी सेट या ये कह दो वन तो क्लॉक फिर से काउंटर में जाएगी काउंटर का काउंट फिर से बढ़ेगा अब क्या हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, जीरो, जीरो और जीरो, जीरो जीरो वन जीरो टू पे चला जाएगा ना जैसे ही काउंटर का काउंट वन से टू पे गया डीएसी का आउटपुट फिर से बढ़ गया फिर से कंपैरिजन हुआ अगर VA ज्यादा हुआ तो आउटपुट आएगा वन क्लॉक जाएगी काउंटर में काउंटर का काउंट बढ़ेगा तो काउंटर का काउंट कब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक कि रेफरेंस से छोटा ना हो जाए देखो जैसे जैसे काउंटर का काउंट बढ़ रहा है डीएसी का आउटपुट बढ़ रहा है अब यह किसी ना किसी टाइम पे जाके वी रेफरेंस वीए से आगे निकल जाएगा अब जैसे ही ये वी रेफरेंस वी से आगे निकलेगा तभी कंपैरेटर का आउटपुट माइनस वी सेट या जिसे कहते हैं लॉजिक जीरो अगर यहां जीरो आया जीरो के साथ किसी का भी एंड क्या आता है जीरो तो काउंटर में क्लॉक नहीं जाएगी काउंटर में क्लॉक अगर नहीं गई तो काउंटर आगे काउंट नहीं करेगा और काउंटर अगर आगे काउंट नहीं करेगा तो काउंटर का काउंट हो जाएगा कॉन्स्टेंट अब जैसे ही यहां लॉजिक जीरो आता है लॉजिक जीरो कब आता है जब वी रेफरेंस वी ए से ज्यादा आता है यहां लॉजिक जीरो आते ही ये बात पता चलती है कंट्रोल वाले ब्लॉक को ठीक है इस कंट्रोल वाले बॉक्स को समझ आ गया भाई कि आउटपुट अगर जीरो आ रहा है कंपैरेटर का माने वी ए अब वी रेफरेंस से छोटा हो गया इसको जैसे ही ये बात समझ आती है ये लैच को एनेबल करता है जिससे कि काउंटर का आउटपुट में चला जाता है लैच में और फिर ये काउंटर को क्लियर कर देता है क्योंकि अब अगले इनपुट को वापस से कन्वर्ट करना शुरू करना होगा तो आउटपुट हम लेते कहां पे हैं लैच पे ठीक है ये आठ लाइंस हम लोग कहां ले रहे हैं लैच पे ले रहे हैं तो काउंटर के डेटा को लैच में स्टोर करा लो और फिर काउंटर को क्लियर कर दो ताकि दोबारे से कन्वर्जन शुरू किया जा सके बात समझ आई कंट्रोल वाले सर्किट का काम क्या है लैच को एनेबल करके ताकि काउंटर का सारा डेटा किसमें स्टोर हो जाए लैच में इसको एक रजिस्टर भी कह सकते हो और कुछ नहीं है ठीक है एक रजिस्टर की तरह ही काम कर रहा है सारा डेटा ले लेगा काउंटर से और काउंटर को फिर ये क्लियर कर देगा ताकि काउंटर का आउटपुट फिर से जीरो हो जाए और हम दोबारे से कन्वर्जन शुरू कर पाए इतनी बात क्लियर हुई तो अब ये एन बिट का अगर काउंटर है तो ये मैक्सिमम कहां तक काउंट कर सकता है ये मैक्सिमम अगर आठ बिट है तो काउंट कर सकता है टू की पावर एट माइनस वन यानी टू फिफ्टी फाइव तक जीरो से काउंटिंग शुरू होती है ना तो आठ बिट में कहां तक जा सकते हो टू फिफ्टी फाइव तक तो मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम काउंट कहां तक आ सकता है हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम काउंट इज एक्चुअली टू टू दी पावर एन माइनस वन तो हम क्या कह सकते हैं मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा होगा मैक्सिमम टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन कितना टाइम लगा होगा भाई अगर मैक्सिमम काउंटर टू की पावर एन माइनस वन तक जा सकता है तो वहां तक जाने में टाइम कितना लगा होगा टू टू दावर एन माइनस वन इन टू टी क्लॉक इतना टाइम लगा होगा अब ये बताओ मिनिमम कितना लगता मिनिमम टाइम फॉर कन्वर्जन जो हो सकता था वो सिंपली एक क्लॉक साइकिल भाई एक तो काउंट करेगा ही करेगा ना काउंटर कम से कम कम से कम अगर वो एक काउंट करता है तो मिनिमम कन्वर्जन टाइम कितना हुआ टी क्लॉक तो मैक्सिमम हुआ टू की पावर एन माइनस वन क्लॉक एन क्या है यहां पे नंबर ऑफ बिट्स तो यहां पे एन इज द नंबर ऑफ बिट्स मेरी बात समझ आ रही है सभी लोग को मैंने क्या बोला काउंटर जीरो से लेके कहां तक जा सकता है टू की पावर एन माइनस वन तक जाएगा नहीं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता जा कहां तक सकता है टू की पावर एन माइनस वन तो उतना जाने में कितना टाइम लगेगा टू की पावर एन माइनस वन क्लॉक पीरियड तो इसलिए मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना हो गया टू की पावर एन माइनस वन इंटू टी क्लॉक अगर मैं कहूं एवरेज बता दो भाई एवरेज कितना होगा टू की पावर एन माइनस वन टी क्लॉक मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय टू टी क्लॉक से टी क्लॉक कट गया तो ये आएगा ठीक है तो दैट इज योर एवरेज कन्वर्जन टाइम ऑफ अ काउंटर टाइप एडीसी ये बात समझ आई एवरेज कन्वर्जन टाइम कितना हुआ टू की पावर एन माइनस वन क्लॉक तो देखो इसमें जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ना वो इसी सब कॉन्सेप्ट पे पूछते हैं जैसे मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम पूछ लेगा कि आठ बिट एडीसी का कितना आएगा तो यहां से निकलेगा ठीक है ना अब देखो इसमें अगर मैं तुम्हें ग्राफिकली समझाऊं कि ये किस तरह से कन्वर्जन करता है देखो हम एक एनालॉग इनपुट लेते हैं जैसे मैंने छोटा सा एक एनालॉग सिग्नल ले लिया मुझे इसे डिजिटल में कन्वर्ट करना है अब इसको जैसे ही एडीसी में लगाओगे काउंटर का अकाउंट जीरो रहेगा अगले क्लॉक एज पे बढ़ेगा 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 बढ़ता जाएगा जब तक कि ये इसके ऊपर ना निकल जाए यहां पे इसके ऊपर निकल गया इसके ऊपर निकल निकलते ही क्या होगा जैसे ही ये वाली जो वोल्टेज है ये जो वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूं ना ये वी रेफरेंस का है और यह वी ए है अब जैसे ही ये वी रेफरेंस वी ए के ऊपर निकला क्या होगा कंट्रोल सर्किट को पता चल जाएगा जिससे कि यह सारा डेटा किसमें चला जाएगा लैच में और यह डेटा लैच में जाते ही ये काउंटर को क्लियर कर देगा जिस कारण से वी रेफरेंस वापस आ जाएगा जीरो पे काउंटर को अगर क्लियर कर दिया तो काउंटर का आउटपुट क्या हो जाएगा जीरो जिस कारण से डीएसी का आउटपुट भी हो जाएगा जीरो ये बात समझ आई काउंटर का काउंट जैसे जैसे डिस्क्रीट वे में बढ़ेगा पहले zero, फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर इसी वे में डीएसी का आउटपुट भी लगातार बढ़ेगा तो ये जो मैंने स्टेर केस वेब फॉर्म बनाई है ये किसकी है वी रेफरेंस की कि डिस्क्रीट वे में जैसे जैसे काउंट बढ़ता है वैसे वैसे डीएसी की आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ती है अब अगला कन्वर्जन करना है तो वापस से ही शुरू हो जाएगा भाई जीरो से ठीक है दोबारा शुरू हो जाएगा जब अगला इनपुट कन्वर्ट करना है और फिर कन्वर्जन करते ही वापस किस पे आ जाएगा जीरो पे तो इस तरह से हमारी कन्वर्जन चलती रहती है इनकाउंटर टाइप एडीसी क्या होगा इसके अंदर बेसिकअप बताओ एक बार सभी लोग दोबारे से सोचो कैसे सर्किट काम कर रहा है हमारा सबसे पहले वी रेफरेंस जीरो था वी ए लगाया तो कंपैरेटर के आउटपुट पे क्या आया वी सेट या लॉजिक वन जिसकी वजह से क्लॉक काउंटर में गई काउंटर ने काउंट किया उसका आउटपुट बढ़ा उसका आउटपुट डीएसी का इनपुट था तो डीएसी का आउटपुट भी बढ़ेगा डीएसी का आउटपुट बढ़ा फिर से कंपैरिजन हुआ तो ये कंपैरिजन तब तक चलेगा जब तक डीएसी का आउटपुट वीए से बड़ा ना हो जाए जैसे ही आउटपुट बड़ा होगा वी वन आएगा माइनस वी सेट या लॉजिक जीरो तो यहां पे क्या पहुंचेगा जीरो तो काउंटर अपना काउंट रोक देगा और काउंटर का सारा डेटा किस में स्टोर करा देंगे लैच में और ये कंट्रोल सर्किट काउंटर को क्लियर कर देगा लेकिन देखो इस सर्किट का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हर बार काउंटिंग कहां से शुरू करनी पड़ रही है जीरो से ठीक है ना क्योंकि काउंटिंग खत्म होते ही या जैसे ही वी रेफरेंस वी ए से बड़ा हुआ तुरंत हमने काउंटर को क्लियर कर दिया और काउंटर को क्लियर कर दिया तो अगला कन्वर्जन वापस जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा तो इसका मतलब है हर बार कन्वर्जन में ज्यादा टाइम लगेगा यह इस सर्किट का ड्रॉबैक है ठीक है तो इसमें लिख लेना एक पॉइंट लिख लो काउंटर कीप्स ऑन काउंटिंग अंटिल काउंटर कीप्स ऑन काउंटिंग अंटिल द आउटपुट ऑफ डी ए सी द आउटपुट ऑफ डी एसी एक्सीड्स आउटपुट ऑफ डी ए सी एक्सीड्स द एनालॉग इनपुट एक्सीड द एनालॉग इनपुट ठीक है अब इसका एक पॉइंट और लिखो द ड्रॉबैक ऑफ काउंटर टाइप एडीसी द ड्रॉबैक ऑफ काउंटर टाइप एडीसी is that is that we have to is that we have to start the conversion we have to start the conversion always from zero we have to start the conversion always from zero because counter is reset because counter ज रीसेट आफ्टर कन्वर्जन इज कंप्लीट बिकॉज काउंटर इज री सेट आफ्टर कन्वर्जन इज कंप्लीट अब देखो एक चीज समझना अब देखो अगर इसके अंदर मान लो ये वाला लेवल काफी छोटा होता मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो क्या होगा इसे कन्वर्ट करोगे जल्दी कर पाओगे या देर में कम स्टेप्स लगे ना देखो छोटे इनपुट को कवर सॉरी कन्वर्ट करने में कम स्टेप्स लगे और पहले के मुकाबले टाइम भी कम लगा देखो अगर ये टाइम टी वन था तो ये टाइम टी टू है ठीक है कौन बड़ा है देखो ग्राफ के अंदर टी वन या टी टू तो क्लियरली ग्राफ के अंदर समझ आ रहा है कि टी वन बड़ा है तो इसका मतलब है जितना बड़ा इनपुट होगा उसे कन्वर्ट करने में उतना ही ज्यादा टाइम भी लगता है इसीलिए हम यहां पर यह कह देते हैं कन्वर्जन टाइम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एनलॉग इनपुट पॉइंट लिखना द कन्वर्जन टाइम ऑफ काउंटर टाइप एडीसी द कन्वर्जन टाइम ऑफ काउंटर टाइप एडीसी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एनालॉग इनपुट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एनालॉग इनपुट इसीलिए हम लोग ऐसा बोल देते हैं यहां पर देखो टी कन्वर्जन इज प्रपोर्शनल टू वी ए इसका मतलब वी ए टू बाई वी ए वन इज टी टू बाय टी वन अब देखो इसपे भी क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन कैसा बनेगा कि वो बोलेगा अगर मैं पांच वोल्ट का इनपुट लगाता हूं तो कन्वर्जन टाइम है टी अब बताओ अगर 2.5 वोल्ट को कन्वर्ट करना है तो कितना टाइम लगेगा तो तुम क्या बोलोगे कि जब मैंने इनपुट ही हाफ कर दिया और कन्वर्जन टाइम और इनपुट प्रोपोर्शनल थे तो कन्वर्जन में टाइम भी कितना लगेगा हाफ यानी कि टी बाय टू मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो काउंटर टाइप एडीसी से फ्रेम किया जाता है और देखो जैसा मैंने इसमें वी रेफरेंस का वे फॉर्म बताया स्टेर केस था ना इसीलिए इसको रैम्प टाइप एडीसी भी कह देते हैं ठीक है तो इसमें तुम्हें देखो याद क्या क्या बातें रखनी है काउंटर टाइप एडीसी में अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना है टू की पावर एन माइनस वन होल मल्टीप्लाइड बाय टी क्लॉक ये है मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम दूसरी बात कि कन्वर्जन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनालॉग इनपुट इसकी वर्किंग के बारे में क्वेश्चन आए ना के बराबर चांस ठीक है बेसिक याद रखना मैक्सिमम मिनिमम कन्वर्जन टाइम और ये कन्वर्जन टाइम का फंडा अब इसका ड्रॉबैक मैंने देखो तुम्हें क्या बताया कि हर बार कन्वर्जन जीरो से शुरू करनी होती है इसीलिए इसका मॉडिफाइड वर्जन हम बनाते हैं जो इससे बेटर होगा उसे बोलते हैं ट्रैकिंग टाइप एडीसी अब ये ट्रैकिंग टाइप एडीसी क्या करता है ये इनपुट को ट्रैक कर सकता है या फॉलो कर सकता है तो इसमें लिखना डायग्राम इस बाद में बनाना पहले लिखो सेंस सेंस कन्वर्जन सेंस कन्वर्जन इन कन्वर्जन इन काउंटर टाइप एडीसी conversion in counter type adc always starts from always starts from zero always starts from zero the time taken for conversion is high the time taken for conversion is high so we use tracking type adc so we use tracking type adc विच कैन एक्यूरेटली ट्रैक विच कैन एक्यूरेटली ट्रैक एंड फॉलो ट्रैक एंड फॉलो एनालॉग इनपुट विच कैन एकटली ट्रैक एंड फॉलो एनालॉग इनपुट अब देखो मैंने इसमें चेंज क्या किया है इस बार मैंने क्लॉक डायरेक्टली अप्लाई कर दी है काउंटर में और काउंटर अप काउंटर ना लेके मैंने लिया अप डाउन काउंटर यानी जो अप भी काउंट कर सकता है और डाउन भी और उस अप डाउन काउंटिंग के लिए मैंने एक सिग्नल इसके अंदर लगाया है अप स्लैश डाउन मैं ये कहूंगा इफ अब देखो क्या चलेगा यहां फंडा इफ वी ए ग्रेटर देन वी रेफरेंस वी वन इज हाई तो यहां काउंट चलेगा ठीक है काउंटर को रोकना नहीं है बस अप और डाउन डिसाइड करना है इफ वी ए लेस देन वी रेफरेंस वी वन इज लो तब हम चलाएंगे डाउन काउंट count. तो काउंटर ऊपर भी काउंट कर सकता है नीचे भी काउंट कर सकता है इस बार कंपैरिजन से हम लोग ये नहीं कहेंगे कि क्लॉक जाएगी ही नहीं क्लॉक परमानेंटली कनेक्टेड है काउंटर में तो काउंटर को क्लॉक तो परमानेंटली मिल रही है लेकिन ये अप जाएगा या डाउन वो किस पे डिपेंड करेगा क्या वीए बड़ा है या वी रेफरेंस वीए बड़ा हुआ तो काउंट बढ़ाएगा अगर वी रेफरेंस ऊपर निकल गया तो काउंट को कम करेगा अब देखो अगर काउंट बढ़ेगा तो डीएसी का इनपुट बढ़ेगा डीएसी का इनपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा वी रेफरेंस और अगर काउंट घटेगा तो डीएसी का इनपुट घटेगा डीएसी का आउटपुट क्या होता है रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल वैल्यू तो अगर इनपुट घटा तो डेसिमल वैल्यू घटी तो क्या घटा आउटपुट यानी अप काउंटिंग में क्या बोल सकते हो वी रेफरेंस बढ़ेगा और डाउन काउंट में वी रेफरेंस कम हो जाएगा क्योंकि काउंट कम तो डीएसी का इनपुट कम डीएसी का इनपुट कम तो डीएसी का आउटपुट भी कम इस तरह से काउंटर सॉरी इस तरह से ये एडीसी काम करता है अब ग्राफिकली अगर कि फर्क क्या पड़ेगा इसमें देखो अगर कोई भी इनपुट लेके चल रहे हो पहले तो कन्वर्जन जीरो से शुरू होगी ना भाई जीरो से कन्वर्जन स्टार्ट हुई ये ऊपर निकल गए अब वी रेफरेंस जैसे ही ऊपर निकला अगर वी रेफरेंस ऊपर निकला तो वी वन आ जाएगा लॉजिक जीरो, जीरो पे डाउन काउंट करेगा डाउन काउंट करने पे वी रेफरेंस नीचे आएगा अभी भी देखो वी रेफरेंस वी से ऊपर है तो ये और नीचे आएगा ऊपर है और नीचे आएगा अब ये नीचे चला गया तो ये ऊपर जाएगा ऊपर चला गया नीचे आएगा नीचे चला गया ऊपर जाएगा ऊपर आ गया नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो देखो इसमें क्या हो रहा है जो वी रेफरेंस ब्लू वाली वेब फॉर्म है ये फॉलो करने की कोशिश कर रही है ब्लैक वेव फॉर्म को इनपुट को जब वी रेफरेंस नीचे चला जाएगा काउंट काउंटर का बढ़ेगा काउंट बढ़ेगा तो वी रेफरेंस बढ़ेगा और अगर वी रेफरेंस ऊपर निकल गया तो काउंटर का, का काउंट कम होगा यानी वी रेफरेंस कम हो जाएगा ये बात समझ आ रही है तो हमेशा क्या होगा वी रेफरेंस अगर ऊपर गया तो काउंटर का काउंट कम होगा वी रेफरेंस नीचे आएगा नीचे रह गया तो काउंटर का काउंट बढ़ेगा वी रेफरेंस ऊपर जाएगा क्या मतलब समझे अगर वी रेफरेंस ऊपर ऊपर है है तो तो उसको नीचे नीचे लाने की कोशिश करेगा नीचे है तो ले जाने की कोशिश करेगा यानी ये ये कोशिश करेगा कि वी रेफरेंस और एनालॉग इनपुट बराबर रहे इसीलिए देखो ये यहां से इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है अब कभी भी कन्वर्जन जीरो से नहीं शुरू होगा आगे ये इसको फॉलो करता रहेगा और यही होता है ट्रैकिंग टाइप एडीसी तो अगर कोई पूछे ट्रैकिंग टाइप एडीसी क्या है भाई इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ काउंटर और रैम्प टाइप एडीसी इन विच वी डू नॉट क्लियर द काउंटर आफ्टर कन्वर्जन बट काउंटर इज अ अप डाउन काउंटर सो द आउटपुट विल कीप ऑन ट्रैकिंग द इनपुट ठीक है तो ट्रैक करता रहता है या फॉलो करता रहता है ये दो काउंटर क्लियर हुए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं आपके लिए काउंटर टाइप एडीसी इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टाइम इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी बताए मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम मिनिमम कन्वर्जन टाइम और क्या बताया कन्वर्जन टाइम प्रपोर्शनल टू एनालॉग इनपुट इन चीजों पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ठीक है ट्रैकिंग टाइप एडीसी उसी का मॉडिफाइड वर्जन है उसके डिसएडवांटेज को डिलीट किया गया बट इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों एडीसी और जो बेसिक पैरामीटर्स आज मैंने बताया जैसे रेजोल्यूशन मैंने बताया एस मैंने बताया सैंपल एंड होल्ड सर्किट के पैरामीटर बताया एक्विजिशन टाइम अपर्चर टाइम ये सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अदर एडीसी की बात करेंगे इसके अलावा कौन कौन से एडीसी हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो के अंदर पहले जितना इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझिए ठीक है तेके? तो आज के लिए इतना ही थैंक यू